टीवी मैं मानती हूँ एक बुरे दोस्त के समान है, क्योंकि और बुरा दोस्त उसी आग के समान है जब जलता है तो साथ लेकर जलता है और बुझता है तो हाथ काले कर देता है। तो ऐसे दोस्तों से हमें दूर रहना चाहिए। और मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि पीपल के पत्तों की तरह मत बनो जो वक्त आने पर सूख जाते हैं, बनो तो मेहंदी के पत्तों की तरह जो खुद पुस कर भी दूसरों की जिंदगी में रंग भर देते हैं। और आपके वालिदैन जो कुदरत का नया तोहफा है जो हर वक्त आपको दुआएं देती रहती है, चाहे वो अपने पास हो या ना हो, जैसे झील नदी सूखने पर भी अपनी नमी रखती है, वैसे ही अपनी माँ हमेशा अपने बच्चों को दुआओं में रखती है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि माँ तो जन्नत का फूल है, प्यार करना उसका उसूल है, दुनिया की मोहब्बत फिजूल है, माँ की हर दुआ कबूल है, माँ को नाराज करना इंसान तेरी भूल है, माँ के कदमों की मिट्टी जन्नत की धूल है। और मैं कहना चाहती हूँ कि अपनी जबान की तेजी उस पर मत चलाओ जिसने तुम्हें बोलना सिखाया। जैसे कि मैंने अपना जो स्कूलिंग है वो पुराने शहर के चंद्रन गुट्टा का जो सेंट्रल स्कूल है वहां से किया, तो वहां के जो हमारे जो चेयरमैन थे आजम सर और सादिक सर, उन्होंने नमाज की फिक्र अपने पर फर्ज कर ली और दुनिया के फिक्र से आजाद हो गए और आज कामयाबी उनकी कदम चूम रही है। और मैंने उन्हें गर्मियों में रोजों में देखा और एक प्रोफेशनल एडुकेशनिस्ट की तरह भी देखा और सर्दियों में वजू करते देखा, जो आज उनके मशहूर और मारूफ होने की एक वजह है। तो आप भी अगर उनके नक्शे कदम पर चलोगे तो जरूर कामयाब हो जाओगे, क्योंकि अक्सर मैं हमेशा बताती हूँ कि फजर जोहर असर मगरिब और ईशा पांच वक्त की नमाज है। अगर आप फजर सोने में, जोहर नौकरी में, असर चाय में, मगरिब रास्ते में और ईशा टीवी पर काटते हैं तो आपको समझना होगा कि आपकी जिंदगी भी कटने वाली है। क्योंकि जो इंसान नमाज के सजदे में ज्यादा झुकते हैं उसे जिंदगी में किसी के सामने झुकना नहीं पड़ता, ऐसा वो मानते हैं। इसलिए आप भी नमाज पढ़ने के पाबंद रहो। और आज यहाँ पे देखकर मुझे लग रहा है कि मेहनत अच्छी हो तो रंग लाती है, मेहनत गहरी हो तो सबको भाती है, मेहनत नादान हो तो टूट जाती है, पर अगर मेहनत मौलाना आजाद नेशनल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और टीचर्स जैसी हो तो इतिहास बनाती है। नेक लोगों की सोबत में हमेशा भलाई ही मिलती है, जब हवा फूलों से गुजरती है तो वो भी खुशगुजार हो जाती है। तो ऐसे ही नेक लोगों में से हमारे दिशांत सर, जिन्होंने इकरा बिस्मे रब्बिका जो कुरान की पहली आयत है जो हमें तालीम के बारे में बताती है उसकी तामीर की है, जिसके वजह से आज यहाँ के स्टूडेंट्स पत्रकारिता और अलग अलग क्षेत्रों में अपना लोहा मनवाया है। तो सीआरपीएफ के जो जवान हैं उनका उन्होंने शहीद हुए हैं वहां पे पुलवामा में, तो उनके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि ये धरती, ये गगन, ये वतन में भेज देना, शहीदों ने जान दी है वतन के वास्ते, शहीदों के कफन में भेज देना। और जिंदगी में मिलते हैं आशिक कई, पर मुल्क से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता, सोने में भी लिपट मेरे शासक कहीं, पर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। और ऐसे ही कफन ओढ़ने वाले सभी शहीदों को मैं सलाम करती हूँ और मैं नमन करती हूँ। उनकी वजह से दोस्तों में इजाफा होता है। और यहाँ पे जितनी भी लड़कियां हैं उनसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऐश्वर्या राय बनना है तो एक बुलंद नसीब चाहिए, पर मदर टेरेसा बनना है तो एक नेक दिल चाहिए। और यहाँ पर बैठे हुए सभी लड़कियों में वो खूबी है मैं ये मानती हूँ, क्यों और सिर्फ नेक दिली को निखारना चाहिए और ज्यादा सजने सवरने के बाद में भी मिट्टी में मिलना है। अगर आप रूह को संवारोगे तो उसे रब के पास जाना है। तो
मैं मानती हूँ, और मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि लोग कहते हैं पैसे रखो बुरा वक्त में काम आएगा, पर मैं कहती हूँ तालीम रखो बुरा वक्त कभी नहीं आएगा। और खुश नसीब वो नहीं होता जिसके नसीब अच्छे होते हैं, बल्कि खुश नसीब तो वो होता है जो अपने खुशी अपने नसीब से खुश है। क्योंकि जब आप ऊंचाइयों की सीढ़ियां चढ़ रहे होते हो तो पीछे छूटे हुए लोगों से अच्छा व्यवहार करना, क्योंकि उतरते समय ये सब आपको रास्ते में मिलेंगे। चाहती हूँ कि खुशी उन्हें नहीं मिलती जो अपनी शर्तों पर जीते हैं, खुशी उन्हें मिलती है जो दूसरों की खुशी के लिए अपनी जिंदगी के मायने बदल देते हैं। और आज हम सब बहुत खुशनसीब है कि सब खुशनुमा हस्ती हमारे बीच है, तो मैं उन्हें सलाम करती हूँ। और मन में है विश्वास तो हम इतिहास बदलेंगे, हम कल की बात नहीं करते, हम आज बदलेंगे। ये इरादे को लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए और मेहनत करना चाहिए। और हमारे मेरे पिता कहते हैं कि खरीद सकते हो तो अपनी जिंदगी बेच कर भी खरीद लेंगे, पर अफसोस है कि कुछ लोग कीमत से नहीं किस्मत से मिलते हैं। तो ऐसे लोगों में से ही है हमारे सिकंदर सर। सर का मानना है कि छूले आसमान जमी की तलाश न कर, जीले जिंदगी खुशी की तलाश न कर, तकदीर बदल जाएगी मेरे दोस्त, मुस्कुराना सीख ले मजा की तलाश न कर। तो फाइनली आई पे माई ग्रेटिट्यूड टू द मैनेजमेंट ऑफ मौलाना आजाद नेशनल यूनिवर्सिटी, और सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ। और तो ठीक है, ओके। मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए उनकी जरा करो कुर्बानी, तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए शहीद हुए। और फोन और टीवी मैं मानती हूँ एक बुरे दोस्त के समान है, क्योंकि और बुरा दोस्त उसी आग के समान है, जब जलता है तो साथ लेकर जलता है और बुझता है तो हाथ काले कर देता है। तो ऐसे दोस्तों से हमें दूर रहना चाहिए। और मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि पीपल के पत्तों की तरह मत बनो जो वक्त आने पर सूख जाते हैं, बनो तो